नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। महिला बाल विकास विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने उठाई आवाज। देखिए सीता पटेल की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल 1 माह बाद पूरा होने जा रहा है, लेकिन इन 2.5 सालों में राज्य में जिस तरह भ्रष्टाचार पनपा है, इसी की वानगी है। अब सरकार के एक अधिकारी को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठना पड़ रहा है। यह बात पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा। उन्होंने कहा कि महासमुंद जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिस प्रकार अनशन पर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। आगे लता उसेंडी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने यह कैसा प्रदेश बना दिया है जहां एक सरकारी अधिकारी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहा है। राज्य का यह पहला मामला है जब एक सरकारी अधिकारी को अनशन करना पड़ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सुधाकर बोदले, जिन्होंने महासमुंद जिले में विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और स्कूलों में दिए जाने वाले रेडी टू ईट योजना में 2020 में हुए 30 लाख से अधिक के बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है, अब उन्हें भी भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अनशन करना पड़ रहा है। यही नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले इस अधिकारी को अब सरकार प्रताड़ित कर रही है। यह राज्य की भूपेश सरकार के लिए अफसोसजनक होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के द्वारा करवाई की जानी चाहिए। साथ ही अनशन पर बैठे अधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान सरकार के 2.5 साल पूरे होने में 1 दिन बाकी है और उनके ही सरकार के एक अधिकारी के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा गया। कुछ बिंदुओं को उन्होंने उठाया है, रेडी टू ईट की खरीदी को, जो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना है, उस विवाह योजना में जो सामग्री खरीदी थी उस सामग्री खरीदी में नियमों का उल्लंघन हुआ है, और सरकार के द्वारा जो साड़ी खरीदी गई है वो 3 वर्ष की साड़ी एक साथ खरीदी गई है। निश्चित तौर पे कई योजनाओं में हम देखते हैं कि जो मद होता है वो उसी वर्ष के लिए होता है, अगर आप उस वर्ष में उसे खर्च नहीं करते हैं तो वो पैसे लेप्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से खरीदी की जा रही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है, और इसमें सरकार की मंत्री भी सम्मिलित नजर आ रही हैं। वरना अगर आपके अधिकारी के द्वारा धरने पे बैठा गया है तो सरकार की मंत्री भेड़िया जी मौन है, और ये भ्रष्टाचार का चरम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय है। इन कृत्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है 20 तारीख को, जिसमें हमारी समस्त महिला मोर्चा की बहनें अपने घर के सामने बैठेंगी और धरना देंगी। दूसरा, तहसील कार्यालय ब्लॉक मुख्यालय में 18 तारीख को राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा, और तीसरा कार्यक्रम हमारा जिला मुख्यालयों में जाकर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। इस तरह से लगातार हमारे ये आज हम आप सब पत्रकार बंधुओं के साथ रूबरू हुए हैं, ये लगातार 4 दिन का हमारा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जब तक सारे चीजों की जांच नहीं हो जाती है तब तक हम इसे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।